इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 23 में एक क्वेश्चन है, कॉर्ड इज यूज टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास एम अ डिस्टेंस डी एट अ कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड एक्सलेशन ऑफ जी बाई फोर। एक कॉर्ड है, एक रस्सी है और एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसमें लोअर कर रहे हैं, उसे नीचे कर रहे हैं, ठीक है। एक रस्सी है और एक ऑब्जेक्ट को उससे नीचे उतार रहे हैं, फोर्स जबकि कहाँ लगा रहे हैं, रस्सी के ऊपर, ऊपर ही लगा रहे हैं, फोर तो ऐसे ही पकड़ूंगा ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ करवा रहा हूँ, नीचे। तो इस केस में एक्सेलरेशन जी बाय फोर है, आपको वर्कडन निकालना है कॉर्ड का, क्या वर्कडन है ये क्वेश्चन है। तो ये बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट है और एक रस्सी है तो मैंने फोर्स कहाँ लगाई, ऊपर, फोर्स तो ऊपर लगाई ना मैंने, कॉर्ड के ऊपर टेंशन ऊपर है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे, क्योंकि लोअर कर रहा हूं अपर नहीं लेके जा रहा। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, 180। तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी कॉस 180। अब ये पता लग गया, जैसे कह रही थी कि अगर सॉल्व क्यों करना, कॉस 180 माइनस होता है तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में, ऑप्शन ए की माइनस की थी, आंसर आ गया, ठीक है, सही है। पर अगर सॉल्व करना है तो फोर्स क्या होगा, इसकी वेट के इक्वल, तो वेट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम लोअर कर रहे हैं, विद सम एक्सेलरेशन जी बाई फोर, लिफ्ट का केस आ गया। जहां आप एम जी बोलेंगे वहां आप एम इंटू जी माइनस ए बोलेंगे, क्योंकि लिफ्ट जब नीचे जाती है एक्सेलरेट करती हुई तो जी की जगह जी माइनस ए हो जाता है, ए की जगह जी बाई फोर, आंसर। क्लियर है। इस क्वेश्चन के बाद इसका आंसर, इसका आंसर बी लग रहा है आपको, डी लग रहा है। देखो, बी लग रहा है या डी लग रहा है मालूम नहीं है, पर इतना पक्का है कि सेंटर ऑफ मास से होगा, सेंटर ऑफ मास में सेंटर पे मास पड़ा होगा एल की जगह एल बाई टू, तो डिनोमिनेटर में टू तो पक्का ही आएगा। तो मतलब आप अगर ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं तो आंसर होगा नहीं यार, सेंटर ऑफ मास में से एल बाई टू तो आना ही है, तो या तो ये होगा या ये होगा। फिर दूसरा आपको क्या निकालना है, वर्क डन। मान लो क्वेश्चन अपने को आता नहीं है, भूल गया क्वेश्चन कैसे करना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन आते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला से चेक कर लो, क्योंकि हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए, एम एल टू टी माइनस टू एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू, इसमें पुट करके देखो और इसमें देखो, देखो करके, इसमें आएगा, इसमें आएगा नहीं, आंसर भी आ गया। अभी तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, अभी तो ऑप्शन देखते ही बता रहा हूँ कि इसमें ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो पहला काम यही है समझदार स्टूडेंट का, पहले ऑप्शन देख ले, दो तो उड़ेंगी, 50-50 का तो आप लाइफ लाइन तो लो 50-50 की, और क्या चाहिए यार बताओ, ठीक है। आगे चलो कर भी लेते हैं, कर किया कैसे था, करने में तो था ही कुछ नहीं, इसमें चेन है, चेन की लेंथ कितनी है एल, इसको उठा के टेबल पे रखना है तो कितनी हाइट पे रखना है, एल बाई टू। मास अगर इसका एम है पूरी चेन का, तो मास होगा क्या, लैम्डा इंटू एल, याद है लैम्डा का मतलब क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये मास आ गया। पर प्रॉब्लम ये है, मेरे इस क्वेश्चन में लैम्डा नहीं गिवन, इसमें क्या गिवन है, सिंबल डी गिवन है, तो क्या हो गया, लीनियर मास डेंसिटी डी ले लो। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन क्या आएगा, एम इंटू जी इंटू कितना, एल बाई टू, आंसर, आंसर एम जी इंटू एल बाई टू, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से कितनी हाइट है ऊपर, एल बाई टू, तो एम इंटू जी इंटू एल बाई टू, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर टू के बाद क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या होगा,
ए है क्योंकि हमने अभी किया हुआ है, आज तो किया है, एरिया इनटू वेलोसिटी वाली प्रॉब्लम ये तो थी। तो आंसर क्या था इसका, ए था, आज किया, याद है ना, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर मास पर यूनिट टाइम की जगह एरिया इनटू वेलोसिटी। हाँ ठीक है, ए आंसर है। चलो मैं भूल गया, मैं करना ही भूल गया, क्या करूँ, क्वेश्चन छोड़ दूँ ना। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी इम्पार्ट की, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट का मतलब वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टाइम। तो इसका मतलब जो वो हमसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो आंसर क्या आएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। तो मेरे को तो क्वेश्चन आता नहीं, पर मैं कम से कम यार डायमेंशनली चेक तो कर सकता हूँ इसमें कि आंसर आंसर यही आएगा डायमेंशनल। तो कौन कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला सीखने चाहिए पहले आपको, आधी प्रॉब्लम तो आपकी वही ठीक करनी है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। और ये ऑप्शन हो नहीं सकती ये वाली, क्योंकि हाफ आना जरूरी है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टाइम, तो जिसमें हाफ नहीं वो तो गया, बाकी सबके डायमेंशन एकदम डिफरेंट हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला तो एक ही आएगा ना जो आएगा आंसर, कोई डाउट इसमें। थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर फोर दिखा लगता है, लग रहा है आपको क्या हुआ है, इसका डायग्राम क्या बनेगा, बना सकते हो। बात है यार, कमाल ही करते, बिल्कुल सही आए, तो बड़े सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही किया है भाई। ये कह रहा है कि ये हमने ऐसे क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन है, हाइट एच वन एच टू है और फिर इक्वल हाइट हो जाती है एच एंड एच, तो पहले हम वॉल्यूम इक्वेट करके हाइट निकालते हैं और फिर एनर्जी निकालते हैं, इनिशियल फाइनल निकालते हैं और दोनों को माइनस करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इज वर्क डन बाई ग्रेविटी, याद आ रहा है, ये वही क्वेश्चन है, पर डायग्राम नहीं बना के दिया, आप पहचान नहीं पाए उसको कई लोग कि यार अच्छा ये नया क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम बनाता आपको पहचान आती है क्योंकि आप इसको देख यूज टू हैं, तभी कहता हूँ कि मेरा करवाया कि बिना जो मैं करवाता हूँ वो तो ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी करें जो मैं नहीं करवाता, ताकि आप एटलीस्ट उसको कर सकें, क्योंकि ये तो यूज टू हो गए ना, स्टेटमेंट्स रट जाती हैं, उससे स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे, ये तभी तो बुक कहते करने को, बुक करो, ये तो मैं करवाता नहीं ना, ये तो मतलब नए क्वेश्चन हैं सारे, बुक करनी चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंग है, ओके एक क्वेश्चन करते हैं,